आज हम मनाएंगे राजस्थान का फेमस बाजरे की खिचड़ी। इसके लिए मैंने ये बाजरा लिया है, मार्केट में बिल्कुल आसानी से आपको यह मिल जाएगा। एक बड़ा बाउल ले लीजिए, इसी के अंदर हम बाजरा डालेंगे। मैंने 3 कप बाजरा लिया है, इसे आपको अच्छे से 3 से 4 बार का हाथों से मसल कर धोना है। इस तरह से मैंने इसे छन्नी में रख दिया ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी रहे सारा निकल जाए। एक कपड़ा बिछा लीजिए कॉटन का, उसके ऊपर सारा बाजरा डाल दीजिए। बाजरे को थोड़ा सा हाथों से अच्छे से फैला दीजिए। बाजरा हमारा अच्छे से फैल जाएगा। उसके बाद एक आप दूसरा कपड़ा ले लीजिए और इसे इससे ढककर सिर्फ आपको 5 मिनट इसे छोड़ना है। 5 मिनट के अंदर जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो पूरा हमारा कपड़ा सोख लेगा। मुझे इसे रखे हुए 5 मिनट का समय हो चुका है। ये देखिए बाजरा जो है हमारा हल्का सा फरका हो गया है, मतलब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो सारा हमारा निकल गया। मैं फिर से बाउल ले रही, इसी के अंदर हम सारा इसे डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें चाहिए, एकदम सूखा भी नहीं चाहिए और एकदम गीला भी नहीं रहना चाहिए। मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसे मैं 2 बार में ग्राइंड करूंगी। मिक्सी को बिल्कुल आपको रुक रुक के चलाना है, चालू बंद बस इसी तरह से आपको मिक्सी चलाना है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये ग्राइंड हो चुका है और सारा इसका जो छिलका था वो सारा निकल चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है। कुछ दाने बड़े भी हो कुछ दाने बिल्कुल बारीक है। इस तरह से हम इसे दूसरे बर्तन में डाल देंगे। इसी तरह से मैं ये वाला बाजरा भी करके तैयार कर लूँगी। अब इस बाजरे को आपको ये देखिए एक बार में पूरा गर्म झटकेंगे इसका छिलका नहीं निकलेगा। दोनों हाथों से इस तरह से आपको इसे मसलना है ताकि इसका छिलका जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उसके बाद इसे आप अच्छे से झटक लीजिए। ये देखिए किस तरह से इसका छिलका निकल रहा है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छे से हमें झटक झटक कर जितना छिलका इसका निकल सकता है उतना निकालना है। अगर हम खिचड़ा बनाते हैं खिचड़ी बनाते हैं उसके अंदर अगर इसका छिलका मुंह में आता है तो वो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए इतना सारा इसका छिलका जो है निकल चुका है, देखिए कितना बढ़िया हो चुका है। बस हमें इतना ही इसे ग्राइंड करना, बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करना है। ये मैंने 3 कप लिया था तो इसके अंदर मैं 1.5 कप ये हरे वाले जो मूंग आते हैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मूंग की दाल से भी इसे बना सकते हैं लेकिन मूंग से काफी बढ़िया टेस्टी बनता है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। मैंने बड़े साइज का कुकर लिया है, आप भी बड़े बर्तन का ही यूज कीजिए। इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी अच्छे से चारों तरफ फैलाकर लगा रही हूं ताकि खिचड़ी जो है हमारी कुकर में बिल्कुल भी चिपके ना। बस अच्छे से आप ऊपर तक घी लगा दीजिए थोड़ा सा। इसी के अंदर हम सबसे पहले बाजरा डाल रहे हैं। मूंग पे आप इसी में डाल दीजिए, कोई भिगोने की आपको जरूरत नहीं है कोई भी चीज। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। मैंने 1 कप के अंदर 4 कप पानी का यूज करा है, उसी हिसाब से इसके अंदर मैं सारा पानी डाल दूंगी। 1 कप में 4 कप के हिसाब से इसके अंदर मैंने 18 कप पानी का यूज करा है। देखिए ऊपर जो हमारा अच्छे तक ऊपर तक भर चुका है। अब इसे आपको कंटिन्यू चलाना है, चलाते जाइए रोकते जाइए जब तक इसमें उबाली नहीं आ जाए कि कुकर का आपको ढक्कन नहीं लगाना है। अब इसमें हम सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अगर इसे आप ज़्यादा मीठा वाला बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर नमक बिल्कुल कम डालिए। इसके हिसाब से ही मैंने नमक डाला है, ना मैंने एक्स्ट्रा नमक डाला ना ही एकदम कम। ये देखिए जैसे उबाली आने लगी है इसके अंदर, तले से आपको चलाते हुए ही इसे हर बार हिलाना है। कुकर का आप ढक्कन लगा लीजिए और सिर्फ आपको कुकर में 1 सीटी लेनी है। ये देखिए कुकर में 1 सीटी आ चुकी है, गैस को बंद कर दीजिए, कुकर को आप ठंडा होने दीजिए।
कुकर मेरा पूरा ठंडा हो चुका है। बढ़िया बना है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुआ है। अभी कहीं से आपको गाढ़ा नजर आ रहा है, कहीं से पतला नजर आ रहा है। गैस को आप ऑन कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पे इसे कम से कम इस तरह से चलाते हुए आपको 10 से 12 मिनट तक इसे कुक करने की और जरूरत है। जब हमारा पूरा ये एक जैसा बन के तैयार हो जाएगा, कोई भी चीज़ हमारी कच्ची नहीं है, मूंग भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, साथ में बाजरा भी जो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, मुझे इसे उबालते 10 मिनट का समय हो चुका है, पूरा हमारा एक जैसा ये बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा बाजरे का खिचड़ा है। इसके साथ में मैं कढ़ी रख रही हूँ, साथ में मैंने घी लिया है, मैंने ये गुड़ लिया। आप चाहे तो शक्कर के बूरे का भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे खाना किस तरीके से बाजरे की खिचड़ी को वो तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आप खिचड़ी ले लीजिए, एक बाउल में स्टील के बाउल का ही आप यूज कीजिए। इसमें हम घी डालेंगे, उसके बाद इसे आपको अच्छे से फेंटना है। लगभग 2 मिनट तक कम से कम इसे आप फेंटिए। जो साइड में रखा हुआ है और जो फीटा वरेगा, उसके कलर में आप खुद डिफरेंस देखिएगा, साथ में जो इसका टेस्ट रहता है वो भी और ज्यादा बढ़ जाता है। फेंटिए इसे अच्छे से। ये देखिए, काफी अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया है। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूं और इसे थोड़ा सा और फेंटूंगी, क्योंकि इसके अंदर घी का जो टेस्ट है काफी बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसमें इसी तरह से इस समय फेंटते समय ही इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, अगर आपको मीठा टेस्ट पसंद है तो, क्योंकि गुड़, घी और कड़ी, इससे इसका कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया आता है। देखिए, ये थोड़ा डार्क कलर का दिख रहा है, जो मैंने फेंट लिया उसका कलर जो थोड़ा सा लाइट हो गया है। कितना बढ़िया, हमारे एकदम परफेक्ट नाप के साथ मैंने आपको बनाना बताया। इस तरह से गुड़ के साथ खाइए, साथ में घी इसमें जरूर डालिए, क्योंकि बाजरा जो है गर्म रहता है और घी इसके साथ में खाने में काफी बढ़िया और टेस्टी लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।